चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बताया था मैंने आपको क्या डिस्कस करेंगे हम आज। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। ओके, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे, जिनमें हम सबसे पहला लेते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। अब तो जानते ही हैं वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा। निर्मा ये तो बहुत पुराना हो गया। अब निर्मा, निर्मा को यूज करता है क्या आप में से आजकल? हाँ हाँ जी सर, वॉशिंग नो सर, पाउडर निर्मा, हाँ, दूध सी सफेदी। ठीक है, तो चलो हम आज वॉशिंग पाउडर निर्मा कैसे बनाते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी फ्यूचर में काम आ सकता है अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो। ठीक है, वॉशिंग पाउडर निर्मा बनाने का तरीका, तो देखो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो डो 10H2O है, इन्हें बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये 10H2O कैसे आता है वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास Na2CO3 के जो व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो व्हाइट क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये जिस तरीके से बनते हैं उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, गिवन बाय द गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेज प्रोसेस। ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चीजें पता रखनी चाहिए कि किस प्रोसेस से क्या बनता है। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो ये कुछ चीजें आपको जरूर हाईलाइट करनी चाहिए। मतलब जब भी आप नोट्स बना रहे हैं ना, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, जब भी आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीजें हाईलाइट करनी चाहिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ोगे, आपको उतना याद रखने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि जब भी आप चीजों को सिर्फ ऐसे ही थ्योरेटिकली याद रखने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन जब आप उसको कुछ ग्राफिकली याद रखने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकली का मतलब है किसी कलर के थ्रू या किसी एक आपने अपने दिमाग में अपने कुछ आपने कोई एक सीक्वेंस बनाया, आपने कुछ चीजों को अरेंज किया एक पर्टिकुलर पैटर्न में, आप उसको किसी एक निमोनिक निमोनिक के थ्रू या फिर आप किसी एक पिक्चर के थ्रू या फिर आप कुछ तरीके के थ्रू किसी चीज को याद करते हो, तो आपको ज्यादा याद रहता है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऐसे कुछ कुछ चीजों को आप हाईलाइटर किया आप हाईलाइट कर दिया करो, उसको अंडरलाइन किया करो, हाईलाइट कर दिया करो, तो उससे ये चीजें आसानी से याद रहेगी आपको। ठीक है, तो ये जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर निर्मा, इसको बनाने का तरीका को बोला जाता है सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्वेज प्रोसेस में क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो चलो हम वन बाय वन यहाँ पर रिएक्शंस देखते हैं कि व्हाट ऑल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन द सॉल्वेज प्रोसेस। द रिएक्शंस इन्वॉल्व आर, हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वी पास अमोनिया, अमोनिया को हम वाटर सॉल्यूशन में पास करते हैं और उस पर हम CO2 भी डालते हैं ऊपर से। तो बताओ मुझे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो तो आपने अमोनिया की रिएक्शन वाटर और CO2 से करवाई, तो एक गेस कीजिए क्या बनेगा, क्या बनेगा? NaHCO3, NaHCO3, Na HCO3। ये कैसे बना? तो वो नाइट्रोजन कहाँ गया और Na कहाँ से आया? एन ए तो है ही नहीं हमारे पास, एन ए कहाँ से आया? एन ए तो नहीं आएगा ना, समझ पा रहे हैं आप? तो जब हमने अमोनिया की रिएक्शन करवाई वाटर और CO2 के साथ, तो हमें यहां से मिलता है अमोनियम कार्बोनेट, दैट इज NH4 ट्वाइस CO3। ये हमें मिला अमोनियम कार्बोनेट।
फिर जब आपने इस अमोनियम कार्बोनेट पर, ठीक है, मुझे बताना अगर आपको कभी फास्ट लगे तो मुझे बता देना, ठीक है। जब इस पर हमने फिर से वाटर और CO2 पास किया तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, अमोनियम बाइकार्बोनेट, जिसे बोलते हैं NH4HCO3। इसके 2 मोल्स मिले आपको, ये बना अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम करवाते हैं NaCl के साथ। तो हमने क्या किया, NaCl लिया और NaCl के साथ इसकी रिएक्शन हमने करवा दी, दैट इज NH4HCO3। इसकी रिएक्शन हमने करवाई तो यहां से आपको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl मिला। और साथ में क्या मिलेगा आप बताने की कोशिश करो, साथ में क्या मिलेगा, कोशिश कीजिए क्या मिलेगा, NaCl3। NaCl3। NaCO3, इस तरीके से। तो साथ में मुझे मिला सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। अब जो NaCO3 है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, दिस इज वाटर इनसोल्यूबल, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसको फिर अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो NaHCO3 मिला, अब इसका जब हम फर्दर हीट करते हैं जब आपने इसको फर्दर हीट किया तो आप गेस कर दिए, बताइए क्या बनेगा हीट करने पर, Na2CO3 Na2CO3 प्लस और एच साथ में, टू यस, प्लस एच प्लस टू एंड एंड व्हाट एल्स, CO2। तो इस तरह से आपके पास क्या बन गया, Na2CO3। ये रिएक्शंस आपको समझ में आई, एक एक रिएक्शन देख के बताइए फिर से। यस सर। सबसे पहले हमने क्या किया, अमोनिया की रिएक्शन करवाई वाटर और CO2 के साथ, तो बना NH4 2CO3, अमोनियम कार्बोनेट बना। फिर अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने फर्दर करवाई H2 और CO2 के साथ, तो फिर क्या बना, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब आपने अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाई NaCl के साथ, तो अब क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो गया, फिल्टर आउट हो गया क्योंकि वो वाटर इनसॉल्यूबल था। फिर उसको आपने हीट किया तो वाटर और CO2 वेपर्स बन के बाहर निकल गई, वाटर वेपर बन के बाहर निकल गया और CO2 गैस बन के बाहर निकल गई, बच गया आपके पास सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। इज दिस क्लियर, बताइए। एक और चीज हम यहाँ पर यस करते हैं, हाँ बोलो, क्लियर है। सर, अब एक और चीज हम यहाँ पर करते हैं कि जो हमारा शुरुआत में अमोनिया लिया था हमने, वो अमोनिया तो हमारा लॉस हो गया क्योंकि अमोनिया सारा आपका NH4Cl की, सर हाँ बोलो, सर थर्ड इक्वेशन में आपने क्या लिखा है, एने NaCl वाटर इज सॉल्यूबल के ऊपर उस एरोमार्क NaHCO3 NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का आपके पास प्रेसिपिटेट बनता है जो कि वाटर इनसॉल्यूबल है। इज दिस क्लियर, बताइए। यस सर, चलिए, तो अब यस हमारे सर, पास जो अमोनिया का लॉस हुआ उसको हम फिर से रिकवर कर सकते हैं। किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर द अमोनिया कैन बी रिकवर्ड। देखो, जो हमारे पास NH4Cl बना, इस NH4Cl की रिएक्शन में करता हूँ लाइम के साथ, लाइम वाटर के साथ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मैंने रिएक्शन की यहाँ पर, तो इसके मैंने 2 मोल्स ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो अब मुझे क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NH3 प्लस H2O, इस तरह से। तो इस तरह से जो अमोनिया हमारा था पहले, दैट अमोनिया गैस कैन बी रिकवर्ड। ये स्टेप आपको समझ में आता है, बताइए मुझे।
अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को डाउट है यहाँ तक? सर हाँ सर, 2NH4Cl का क्या है सर? ये तो बस खाली हम स्टोइकोमेट्री में लिखते हैं, वैसे हमारे पास ऐसा तो नहीं है ना कि रिएक्शन में आपके पास एक ही मोल बनेगा, बना तो ढेर सारा होगा। हम एक रिएक्शन लिखने में उसका हम 2 मोल्स लिख रहे हैं, उसको आप किसी भी एक मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को आप 6 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। सर पर एक्चुअली जो हमें मिला है प्रोडक्ट साइड में, तो उसी को लेकर बना रहे हैं ना सर हम। तो आप 1 मोल बना था, आप उसके 2 मोल बना दो, समझ रहे हो आप? हमारे पास 1 मोल नहीं बनाते हैं हम, 1 मोल तो बहुत कम हो गया फिर, हम तो 150 क्वांटिटी बनाते हैं ना, हम तो 150 क्वांटिटी बनाते हैं। तो ये तो बस एक सिंपली एक सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन लिखी है मैंने, सिंपलेस्ट इक्वेशन जिसमें मैंने मिनिमम कोफिशिएंट्स लिए हैं उसके, ठीक है? इज दिस क्लियर? बताइए मुझे क्या यहाँ पे क्लियर है? यस सर। सर अमोनिया का सर और रिकवरी वो भी सॉल्वेंस प्रोसेस के अंदर आता है? नहीं, ये सॉल्वेंस प्रोसेस के अंदर नहीं आता है सर। अमोनिया की रिकवरी वाला बताइए ना वापस। हमने देखो जो यहाँ पर NH4Cl बना था ना, आप देखो ऊपर की रिएक्शंस क्या थी हमारे पास, कि जो अमोनिया था वो अमोनिया किस में चला गया था? NH4Cl में चला गया था। अब NH4Cl से मुझे फिर से अमोनिया निकालना है, NH4Cl से मुझे फिर से अमोनिया निकालना है। तो NH4Cl की रिएक्शन मैंने करवाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उससे क्या बना? CaCl2 और अमोनिया और वाटर। समझ में आया? यस सर। सॉल्वेंट प्रोसेस क्या है? सॉल्वेंट प्रोसेस टॉक्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? तो ये फाइनली आपको इस रिएक्शन में क्या मिला था? सोडियम कार्बोनेट। अभी हमें इसको हाइड्रेट करना बाकी है, तो वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, कि ये हाइड्रेट कैसे होता है। तो अगर आप सिर्फ इसको रख दो, अगर आप NH2 को सिर्फ छोड़ दो, तो वो कुछ देर में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और बना देता है .10H2O, वो अपने आप होता है रिएक्शन। अगर आप सिर्फ छोड़ दो वॉशिंग पाउडर को, तो वो आसानी से हाइड्रेट हो जाता है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, तो वो इस फॉर्म में नहीं रहता, वो हाइड्रेट फॉर्म में स्टेबल रहता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखो इस केस में जब हम ये रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर क्या बना था? सोडियम बाइकार्बोनेट बना था, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो वाटर इनसोल्यूबल था, वो वाटर इनसोल्यूबल था, तो उसी की वजह से वो अलग हो गया था सोल्यूशन से, अमोनियम क्लोराइड से अलग हो गया था, और आप उसको Na2CO3 की फॉर्म में ले पाए। लेकिन इस रिएक्शन को यूज कर सिमिलर मेथड को यूज कर आप पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते, मतलब आप Na2CO3 तो बना सकते हैं इससे, लेकिन आप K2CO3 नहीं बना सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Yes. आप Na2CO3 तो बना सकते हैं सॉल्वेंस प्रोसेस से, लेकिन आप K2CO3 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब आप K2CO3 बनाने के लिए जाते हो सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए, तो उस केस में भी क्या बनेगा? जैसे यहाँ पर बना था आपके पास NaHCO3, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या बना था? NaHCO3। लेकिन जब आप इसी यही स्टेप फॉलो करोगे K2CO3 बनाने के लिए, तो उस केस में क्या बनेगा इसकी जगह पर, मुझे बताइए? जैसे यहाँ पर क्या बना था? NaHCO3। तो अगर मुझे यहाँ पर बनाना होता K2CO3, तो यहाँ पर बनता KHCO3, ठीक है? अब हुआ क्या, ये जो KHCO3 है ये वाटर में बहुत सोल्यूबल होता है, KHCO3 इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर। तो अब जो NaHCO3 के साथ हुआ था वो KHCO3 के साथ नहीं हो पाएगा। तो अगर KHCO3 बहुत सोल्यूबल रहता है पानी में, तो वो इस तरह से सेपरेट आउट नहीं होगा, और उसको ऑब्टेन कर उसको हीट करके आप पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है।
ये पॉइंट मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, आप मेरे साथ साथ लिखती लिखिए। सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड, सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, CaCl2 प्लस अमोनिया। तो द सॉल्वेज प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ K2CO3 सिंस KHCO3 is too much soluble. Since KHCO3 is too much soluble in water, and thus can't be separated from NH4Cl. And thus it cannot be separated from NH4Cl. बताइए क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? बताइए। यस सर। अब जो Na2CO3 है ये बिना वाटर के नहीं रहता, सो इट एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट। इट एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट फॉर्म। डेकाहाइड्रेट क्या होता है? Na2CO3.10H2O ये इस फॉर्म में रहता है हमेशा, एंड इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब देखो अगर आपने Na2CO3 को हीट किया, मतलब जो आपके पास वॉशिंग सोडा बचा, तो अगर आपको कोई पूछे वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताओगे? क्या बताएंगे आप? Na2CO3.10H2। यस, ये हमेशा हाइड्रेट फॉर्म में रहता है, तो आप बताएंगे Na2CO3.10H2। चलिए अगर आपने इसको हीट किया, सो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, On heating, it loses water of crystallization. Obviously बात है, अगर आपने heat किया तो ये जो water of crystallization है इनको ये छोड़ देता है, और क्या बन जाएगा, तो ये दो temperature पर अलग अलग reaction show करता है। अगर आपने Na2CO3.10H2O को 375 Kelvin पर अगर आपने heat किया इसे, अगर आपने इसे 375 केल्विन पर हीट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ देता है। तो जब आप इसे 375 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये बनाता है Na2CO3.H2O प्लस साथ में 9 वाटर मॉलिक्यूल जिसने छोड़ दिए। अगर आपने इसको फर्दर हीट किया 375 केल्विन से ज़्यादा, तो जो एक वाटर मॉलिक्यूल बचा था उसको भी ये छोड़ देता है। That means, अगर आपने इसको 375 केल्विन से ज्यादा पर ले गए तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास, Na2CO3, एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा। अब ये जो बचा ये बिना पानी का है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं एनहाइड्रस, और ये व्हाइट कलर का होता है, दिस इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट पाउडर की तरह होता है ये। ठीक है, इसका एक नाम और होता है, इसको सोडा एश भी कहा जाता है, सोडा एश। क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है?
बताइए। चलिए मुझे एक और चीज बताइए कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक। क्या प्रूफ है इसका? सर मेटल मेटल कार्बन। मेटल कार्बन होने से क्या हुआ? सर अगर मेटल, अगर मेटल का ऑक्साइड होता तब तो मैं बोल सकता था कि सर मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, लेकिन ये तो कार्बोनेट है ना, कैसे बताएंगे कि आप ये बेस है? चलिए मुझे बताइए, अगर आपने इसको पानी में डाल दिया, अगर आपने Na2CO3 को पानी में डाल दिया तो क्या बनेगा? बबल्स फॉर्म होंगे। अरे बनेगा क्या, बबल बनेंगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बबल्स। Na2CO3 plus water gives bubbles, ऐसे लिखेंगे आप? क्या लिखोगे बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, हाँ तो देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पर एक्चुअली क्या बनता है, यहाँ पर आपके पास बनता है NaOH प्लस NaHCO3, ये बनता है, ठीक है? तो ये जो NaOH है इससे आपको क्या मिलेगा? OH माइनस। मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? अल्कलाइन। दिस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर। बताइए क्या यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो पानी में डालने पर बेस बनाता है तो वो कैसा सब्सटेंस हुआ? बेसिक सब्सटेंस। बताइए, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए अब हम कुछ यूजेस पढ़ते हैं इसके। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? कल्पना, इज दिस क्लियर? सोहेल, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। चलिए लिख लीजिए आप ये सारा। सर और थोड़ा ऊपर, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर फिर सोडियम कार्बोनेट जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? सोडियम कार्बोनेट, उसी की तो बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। सोडियम कार्बोनेट की तो बात कर रहे हैं ना हम, कि जब हमने Na2CO3 डाला पानी में तो क्या मिला? NaOH प्लस NaHCO3। तो सर कोई भी कार्बोनेट का कंपाउंड होगा तो उसमें वाटर ऐड करके पता करेंगे क्या? Yes, obviously. Okay, sir. मतलब वही जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी उसका उल्टा कर रहे हैं ना, बस हम कर क्या रहे हैं, हम उसका उल्टा कर रहे हैं। आप एसिड और बेस मिलाने से सॉल्ट और वाटर बनाते थे, हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट में पानी डालने से बना रहे हैं एसिड बेस। देख रहे हैं ये कौन स्ट्रॉन्ग बनता है? देखो इसमें फंडा क्या है, फंडा ये है कि अगर आपका सॉल्ट पे पानी डालने से क्या बनेगा, एसिड बनेगा और दूसरा बनेगा बेस बनेगा। तो अगर एसिड ज्यादा हुआ, एसिड अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है और बेस वीक है तो वो सॉल्ट को आप कैसा बोलोगे, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक सर। एसिडिक, बस यही फंड है चेक करने का कि वो सॉल्ट जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, इस तरीके से, ठीक है? जैसे मान लो आपने अगर देश के नमक को देश के पानी में डाल दिया, अगर आपने देश का नमक लिया और उसको आपने देश के पानी में डाल दिया, ठीक है, देश का नाम डुबो दिया आपने, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? देश का नमकीन पानी। मतलब एसिडिक होगा या बेसिक होगा? सर बेसिक।
सर कुछ नहीं होगा ना सर, न्यूट्रल होगा ना। किसने बोला बेसिक? बेसिक क्यों होगा? जब आपने देश का नमक देश के पानी में डाला तो कौन सा एसिड बना और कौन सा बेस बना? सर न्यूट्रल होगा ना। क्यों सर? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड सर। सर NaOH बेस होगा, HCl फ्री फॉर्म। हाँ देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, आप सब लोग जानते हैं, और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, सर तो फिर क्या बनेगा? न्यूट्रल। Yes. समझ में आया सर? लास्ट वाली इक्वेशन समझाओ ना। Na2CO3 में आपने पानी डाला तो बना NaOH प्लस। आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप? देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऊपर का नीचे। इसी रिएक्शन को आप दो तरीके समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपने Na2CO3 पर पानी डाला, अगर पूरा पूरा कंज्यूम करना है आपको, तब क्या लिखते हैं? Na2CO3 plus water gives NaOH plus H2CO3, ठीक है? तो बेस क्या बना आपका? NaOH। एसिड क्या बना? H2CO3। अब आप जानते हैं कि NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2CO3 इज ए वीक एसिड, तो कौन डोमिनेटिंग है, एसिड या बेस? Who is dominating? साक्षी? Base. Base is dominating. तो जो मेरा salt है, वो कैसा salt है? Basic salt. क्या आप समझ पा रहे हैं ये चीज? Yes sir. चलिए तो हम इसके uses देख लेते हैं कुछ, कि washing powder निर्मा हम कहाँ कहाँ use करते हैं। चलिए तो मुझे जल्दी से बता दीजिए आप कि washing soda हम कहाँ कहाँ use करते हैं। डिटर्जेंट यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं? बोले सर हम तो एसी के लिए यूज करते हैं। हमने हार्डनेस ऑफ वाटर में पढ़ा था कि सॉफ्टनिंग और वाटर के लिए भी ये एक तरीका है, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने का ये एक तरीका था, देखा आपने? बताइए आपने देखा है नहीं? लॉन्ड्री पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करता है ये। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ और यूजेस इसके? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, बोरेक्स बनाने में यूज होता है, बोरेक्स, कास्टिक सोडा बनाने में यूज होता है। कास्टिक सोडा क्या होता है पता है आपको? बेकिंग सोडा। कास्टिक सोडा इज नथिंग बट NaOH, NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा अलग होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। करेक्ट। Yeah. आप ये यूजेस लिख लीजिए जल्दी से, कुछ और लिखा देता हूँ मैं आपको। यस सर, वो बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स क्या होता है? ये आप आगे, या फिर आपने केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा क्या? केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा आपने? No, sir. आप ये पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे वैसे, और इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला तो है Na2B4O7, इसको बोलते हैं बोरेक्स। इसका हिंदी में एक और नाम होता है, इसका हिंदी में नाम होता है सुहागा। सर ये कैरम की पाउडर है क्या? नहीं नहीं, वो तो होता है बोरिक एसिड, वो बोरिक एसिड होता है, बोरिक पाउडर, दैट इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड, H3BO3, वो बोरिक एसिड होता है जो आप यूज करते हो एज ए बोरिक पाउडर, केरम पाउडर। ये बोरेक्स है, इसको सुहागा भी बोलते हैं। सर इसका क्या काम है?
ये इसको जनरली आई वॉश के लिए लोग यूज करते हैं, आई वॉश के लिए आई थिंक ये शायद कैटरेक्ट वगैरह में, फिर ऐसे कुछ आई रिलेटेड डिजीजेस में इसको यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे आई वॉशिंग लोशन इसका यूज किया जाता है। सर क्लीनिंग में काम आता है ये? या क्लीनिंग में भी काम आता है, यस। मेन यूज इसका आई वॉशिंग में होता है। एक तरीके से कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी, तो कुछ कम कम क्वांटिटी में ऐसे मेडिसिन भी लिया जाता है ये, बहुत कम क्वांटिटी में। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, पी ब्लॉक, जब आप पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे तो वहां पर इसका डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है, ये कैसा दिखता है आपको, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे वहां पर। तो अभी के लिए हम एस ब्लॉक पढ़ लेते हैं, पी ब्लॉक की बात बाद में करेंगे, ठीक है। देखो तो इट इज ऑल्सो यूज इन पेपर पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। एक यूज और लिख दीजिए आप यहां पर, इट इज यूज इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में इसे यूज किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड रिएजेंट, एज ए स्टैंडर्ड रिएजेंट इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में लैब में यूज किया जाता है। सर इसका फॉर्मूला NaOH था ना? किसका फॉर्मूला? NaCO3 था। किसका सर? ये वॉशिंग पाउडर नहीं रहा सर, वॉशिंग पाउडर नहीं। आप बताओ क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? What is washing soda? जल्दी से बताइए। Na2CO3.10H2O. Na2CO3.10H2O. Yes, this is washing powder Nema. ठीक है? दूसरी सफेदी? निर्मा से आए। सर दूसरी नहीं आती लेकिन सफेदी सर, टोपी पहन आते हैं। Yes sir, good बोलते हैं। Advertisement. चलो बहुत पुराना एडवर्टाइजमेंट हो गया ना। चलो तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता है। लिख लिया सर? और देखो लिख नो सर, दो सेकंड। ठीक है? यस सर, यस सर, लिख लिया। सर निर्मा का आविष्कार घर में ही किया था ना किसी ने? तो हाँ, तो सारे आविष्कार घर से तो शुरू होते हैं, फिर घर ही दुकान बन जाती है। सर हाँ, ऐसे सोडियम के और कितने कंपाउंड से? हम यहाँ पर मेनली तीन कंपाउंड से बात करेंगे। सबसे पहले लिया मैंने वॉशिंग सोडा, फिर हम बात करेंगे देश का नमक, और फिर बात करेंगे हम सोडियम परोक्साइड, और फिर बात करेंगे बेकिंग सोडा। इन चार कंपाउंड्स की बात हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है? ये चार कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में हैं, तो हम इन्हीं चार कंपाउंड्स की बात करेंगे। चलिए तो दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर आपका फेवरेट देश का नमक, जो बच्चा बच्चा भी जानता है। एनएसपी। क्या बोलते हैं इस देश का नमक को? सोडियम क्लोराइड। अरे टाटा सोल्ट। क्या बोलते हैं इसे? टाटा सॉल्ट। यस, टाटा सॉल्ट सर। हाँ, जो देश का बच्चा बच्चा भी जानता है लेकिन हम नहीं जानते हैं, है ना सर? कोई भी कंपनी के लिए आते घर में नमक इतना। देखो तो हम बात करते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, तो ये कैसे बनता है? सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है? चलिए मेरे साथ साथ लिख लीजिए आप जल्दी से। Crude salt is dissolved in minimum water. Crude salt is dissolved in minimum water and filtered to remove insoluble impurities.
तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो रॉ सॉल्ट मिलता है, जो रॉ सॉल्ट बनता है उसमें काफी गंदगी भी होती है, तो उसको पहले हम पानी में डिजोल्व कर लेते हैं, जिससे जो गंदगी है वो सारी मिट्टी वगैरह है वो सारी ऊपर आके अलग हो जाएगी, तो उससे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखिए, the solution is then saturated with HCl, with gaseous HCl and crystals of pure NaCl separates out. Crystals of pure NaCl separates out. ठीक है, लेकिन अभी भी जो कुछ इसमें वाटर सोल्यूबल होती है इम्प्योरिटीज, वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज इसमें अभी भी मिक्स रहती है, जैसे आपका CaCl2, MgCl2, ये NaCl से ज्यादा सोल्यूबल होती है, तो ये अभी भी पानी के अंदर ही होती है, बींग मोर सोल्यूबल रिमेन्स इन द सोल्यूशन। अब क्या हुआ, दिस NaCl मेल्ट्स एट 1081 केल्विन। अब यहां से आप इनको अलग कर सकते हो, NaCl melts at 1081 Kelvin, ठीक है, and it has solubility, इसकी जो solubility होती है वो कितने पानी में कितना dissolve होता है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, that it has solubility of 36 grams, it has solubility of 36 grams in 100 gram of water, at 273 Kelvin. ठीक है, ये है NaCl की कहानी। और इसके यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हम NaCl यूज करते हैं, नंबर वन आप फॉर डेली पर्पजेस यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, इसे कुकिंग में यूज करते हैं डेली पर्पज के लिए, और कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर preparation of Na2O2, काफी important compound है, तो काफी सारी reactions में use होता है, it is used for preparation of Na2O2, NaOH and Na2CO3, अगर आपको याद हो, alkali process, हाँ, yes, तो वही है NaOH के preparation method, तो अगर आपको याद हो, तो अभी कुछ देर पहले हमने इसे washing soda के preparation में भी use किया था, याद है आपको? Yes sir. और कहाँ यूज करते हैं इसे? सर, आइस मेल्ट करने के लिए। करेक्ट, फॉर मेल्टिंग आइस एंड स्नो ऑन रोड। नंबर फोर, एक और लिख लीजिए आप, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर freezing mixture in lab. It is used to prepare freezing mixture in lab. ये कुछ uses हैं NaCl के। बताइए, क्या यहाँ तक आपने लिख लिया सारा? अगर लिख लिया तो हम आगे बढ़े। No sir. चलिए लिख लीजिए। Sir, कैसे समझ सकते हैं? Sorry? सर, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे द सॉल्यूशन इज द इज द सैचुरेटेड विद एचसीएल वहाँ पे? बेसिकली हमने क्या किया कि NaCl बनाने के लिए उसको हमने सैचुरेट किया, सैचुरेट मतलब हमने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में HCl गैस पास की,
ज्यादा क्वांटिटी में हमने एचसीएल गैस पास की, तो उससे क्या हुआ, जो बाकी सारा सोडियम आयन्स बचे हुए थे वो सारे आपके पास एनएसएल की फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो गए। एनएसएल की क्रिस्टल्स बनाने के लिए हमने उसको सेचुरेट किया एचसीएल गैस के साथ। सेचुरेट करने का मतलब क्या है कि आप काफी क्वांटिटी में एचसीएल गैस पास कर दो तो वो जो सोल्यूशन है वो सेचुरेट हो जाता है एचसीएल के साथ, तो उससे क्रिस्टल्स बनते हैं प्योर एनएसएल के। और फिर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी साथ साथ में रहते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में मतलब वो सोल्यूशन में ऑलरेडी ज्यादा डिजोल्व थे, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, तो अब उनके क्रिस्टल्स भी हैं। मतलब क्या हुआ कि वो जो आपके पास मिक्सचर बना, जो सॉलिड बना, क्रिस्टल्स जो बने, उसके अंदर NaCl भी था, कैल्शियम क्लोराइड भी था और मैग्नीशियम क्लोराइड की भी इम्प्योरिटीज थी। तो उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हमने क्या किया कि इन सबका मेल्टिंग पॉइंट अब अलग अलग होता है, तो जैसे ही आपने मेल्ट किया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर NaCl मेल्ट हो गया और बाकी चीजें उस टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हुई, तो उससे आप फिर NaCl को बाकी इम्प्योरिटीज से अलग कर पाए। इस तरह से फिर आपको फाइनली क्या मिल गया, प्योर NaCl क्रिस्टल्स। बताइए, इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, यहां तक आप सबने लिख लिया। सर थर्ड पॉइंट दिखाना। सर फ्रीजिंग मिक्सचर इन लैब, मतलब कुछ स्पीशीज, कुछ ऐसे स्पेसिमेंस वगैरह या फिर कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स तैयार करने के लिए, तो उसी मिक्सचर को बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, जो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस में यूज किया जाता है कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स के साथ। ओके चलो एक सिंपल सी बात पूछता हूँ आपको। आपको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सर फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, जीरो डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपने वाटर के अंदर अगर कुछ NaCl डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर बढ़ जाएगा, मतलब जीरो से ऊपर हो जाएगा। हाँ सर, जीरो से ऊपर। सर जीरो से ऊपर चला गया। नहीं देखो, मतलब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर में प्योर वाटर है और एक कंटेनर में NaCl डिजोल्व किया हुआ वाटर है, सॉल्टी वाटर है, तो आपने इन दोनों कंटेनर्स को फ्रीजर में रख दिया, ठीक है, किसका आइस पहले बनेगा? सर सिंपल वाटर का। सर इंप्यूरिटी वाला, सर NaCl वाला। NaCl वाला, NaCl वाले का पानी जल्दी बनेगा, सॉरी आइस जल्दी बनेगा? यस सर। नो सर, सिंपल वाले का बनेगा सर, प्योर वाले का। सिंपल वाले, सिंपल का बनेगा, प्योर वाले, सिंपल वाले का जल्दी बनेगा। ऐसे आप करके देख लेना आज, आज आप भले करके देख, क्योंकि हम आइस मेल्ट करने में इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर जल्दी कैसे होगा? मतलब क्या है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे आपने NaCl डाला तो NaCl, अब उसके NaCl वाटर के फ्यूजिंग पॉइंट को और कम कर देता है। अगर NaCl वाटर के फ्यूजिंग पॉइंट को और कम कर देता है, अगर आपको वो प्योर वाटर वाले कंटेनर को और NaCl वाले कंटेनर को, दोनों को अगर आपको आइस बनाना है तो आपको उन दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा सेम टाइम के लिए। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपने दोनों कंटेनर को सेम टाइम पे रखा, सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए रखा, सेम टेम्परेचर पर, तो दोनों उसी टाइम ड्यूरेशन में आइस नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपको सेम टाइम ड्यूरेशन में दोनों को अगर आइस बनाना है साइमल्टेनियसली, तो आपको आइस वाले, सॉरी NaCl वाले वाटर को उस फ्रीजर में रखना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर उससे भी कम है, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, मतलब अराउंड -2 डिग्री सेल्सियस या -2.7 डिग्री सेल्सियस इस तरह से। बताइए क्या ये क्लियर है? यस सर। ये सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट बताया मैंने आपको, इसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का थर्ड कंपाउंड लिया हमने, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा घरों में काफी यूज किया जाता है।
अगर आप घर पे अपना सर मेकिंग पकोड़ास पकोड़े, अरे पकोड़े खाओ, अगर कास्टिक सोडा वाले पकोड़े खाओगे तो मर जाओगे सर। उसमें क्या था फिर वो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अरे ऐसी गलतियां करोगे तो सबको मरोगे, सबको जेल हो जाएगी एक साथ। सर कास्टिक सोडा में भी ड्रेन क्लीनर के लिए यूज होता है सर। हाँ ड्रेन क्लीनर के लिए यूज होता है। और आपने कभी देखा होगा, कभी आपने देखा है ये जो जो कपड़े धोने की साबुन आती है उसको बनाने में कास्टिक सोडा यूज होता है? यस सर, कास्टिक सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिटर्जेंट सब्स। तो कभी देखा है आपने? वैसे मार्केट में मिलता भी कास्टिक सोडा, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। चलिए मुझे बता दीजिए आखिर कास्टिक सोडा होता क्या है, व्हाट इज कास्टिक सोडा? सर कभी नहीं सुना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस। तो थर्ड कंपाउंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर कास्टिक सोडा होता है ना वो? यस सर। कास्टिक से नहीं दिया इसलिए मैंने कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सेम थिंग, दिस इज नथिंग बट एनीवेज। सर KOH को भी कुछ बोलते हैं ना ऐसे? क्या बोलते हैं बताओ सर? कुछ याद नहीं आ रहा। कास्टिक पोटैश, कास्टिक पोटैश, करेक्ट करेक्ट। ठीक है चलिए। सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं बताओ? सर Mg का कंपाउंड होता है वो अपना पता है, MgOH होता है। यस चलिए हम यहाँ पर NaOH की बात करते हैं। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये रिएक्शन में आपको वैसे पहले ही बता चुका हूँ एक बार पिछले चैप्टर में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन, इस सेटअप को बोला जाता है, जिस सेटअप में इसे प्रिपेयर किया जाता है उसको बोला जाता है कास्नर केलनर सेल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन कास्नर केलनर सेल यूजिंग मर्करी कैथोड, यूजिंग मर्करी कैथोड एंड कार्बन एनोड। कार्बन का एनोड यूज किया जाता है और मर्करी का कैथोड यूज किया जाता है। देखो चलिए हम रिएक्शन देखते हैं। आपको तो मैं पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। बताओ एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी इस बार? ऑक्सीडेशन। हाँ किसका ऑक्सीडेशन होगा, हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बताओ? सर Na+ का ऑक्सीडेशन होगा ना, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस का। अच्छा हाँ, अरे इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे हैं, NaCl का? हाँ सर, NaCl हाँ। का ऑक्सीडेशन किसका होगा? Na+ सर, Na का। हाँ बोलो सर। सेकंड लाइन में इनके बाद क्या लिखा है? इन कास्नर केलनर सेल, ये जो सेटअप है उसका नाम है कास्नर केलनर सेल आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सर Cl का होगा सर ऑक्सीडेशन। मुझे बताओ क्या NaCl में Cl Cl की फॉर्म में रहता है या किसी और फॉर्म में रहता है? Cl माइनस की फॉर्म में रहता है। Cl माइनस। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बताओ मुझे जल्दी से। Cl माइनस बदलेगा Cl प्लस वन इलेक्ट्रॉन में। Cl प्लस, ये नई नई चीज आई है क्या मार्केट में सर? नहीं मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा सर, वो Na के पास जाएगा, Na+ के पास जाएगा। तो Cl माइनस जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो Cl प्लस बन जाएगा। Cl कभी होता है अकेला मार्केट में? Cl2 तो मैं इसको क्या लिख दूं, हाफ Cl2 बैलेंस करने के लिए, हाफ Cl2 गैस प्लस वन इलेक्ट्रॉन। बोला समझ में आता है ये? यस सर, यस सर। ठीक है देखो तुम लोग अगर ऐसे आंसर नहीं दोगे तो मेरा नाम खराब करोगे। वो लोग हमको सर ने बताया था कि जब Cl- का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा Cl। सर मीनिंग समझ जाता है सर।
ठीक है सर, फीलिंग समझो ना सर, आंसर के देख। अच्छा तुम्हें मार्क्स भावनाओं से मिलेंगे, बोलेंगे आंसर में लिख देंगे सर हम, सर भावनाओं को समझो हमारी, हाँ फिर तुम्हें एक बड़ा जीरो मिलेगा विद ए स्माइली, ये हमारी भावना है। ठीक है बिग जीरो, बिग जीरो विद स्माइली। ठीक है चलो अब मुझे बताओ कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन। हाँ रिएक्शन क्या होगी सर, Na प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स Na टू Na, Na सॉलिड। ठीक है इस तरह से बना आपके पास। अब लेकिन यहाँ पे एक और रिएक्शन है, एक और क्या है कि हमने कैथोड किसका यूज किया इस बार, मरकरी का। जब हम कैथोड मरकरी का यूज करते हैं तो ये मरकरी का कैथोड सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेता है, मतलब सोडियम उसकी सरफेस पे आके डिपॉजिट होने वाला था लेकिन मरकरी जिसका इलेक्ट्रोड हमने यूज किया कैथोड पर, सोडियम उसी के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देता है, अमलगम। अमलगम यस वेरी गुड। आपने अमलगम के बारे में सुना है पहले सर, अमलगम का अलॉय थ्योरी के अलॉय सर, अलॉय को रिएक्शन से बोल सकते हैं। यस मरकरी के अलॉयस को बोलते हैं अमलगम। तो यहाँ पर जो सोडियम था उसकी जैसे ही मुलाकात हुई मरकरी के साथ तो वो क्या बना लिया, सोडियम अमलगम। ठीक है तो फाइनली आपको क्या मिल गया यहाँ पर, सोडियम अमलगम। अब फिर क्या किया, इस सोडियम अमलगम को हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, दिस सोडियम अमलगम इज फर्दर ट्रीटेड विद वाटर। जो सोडियम अमलगम बना आपके पास दिस अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर। तो फिर क्या मिलेगा आपको, NaHg, इसकी जब आपने रिएक्शन की वाटर के साथ तो मैंने इसके दो मोल्स ले लिए, इसके मैं दो मोल्स ले लेता हूँ, 2NaHg plus 2H2। तो इसकी जब रिएक्शन हुई वाटर के साथ तो यहाँ पर आपको मिलता है NaOH, आपको मिला NaOH सॉलिड प्लस मरकरी प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपको ये व्हाइट कलर का ट्रांसलूसेंट सॉलिड मिलता है, व्हाइट ट्रांसलूसेंट, और ये आप मार्केट में भी खरीद सकते हैं कॉस्टिक सोडा के नाम से, व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Any doubts still here? सर मर्क्यूरी तो सर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो उसका ये कैसे बना लिया कैथोड? क्यों नहीं बना सकते सर? क्योंकि सर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। हाँ तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाल के उसके कैथोड तो बनते ही हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलिसिस में हम मर्क्यूरी का कैथोड यूज करते हैं। ओके मतलब प्योर मर्क्यूरी यूज नहीं होता? नहीं सर। हाँ सर, अगर सोडियम मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है तो हमने मर्क्यूरी का कैथोड एनोड क्यों लिया? अब एक्चुअली यहाँ पर कैथोड उस चीज का भी यूज किया जाता है कि जो उस रिएक्शन में सपोर्ट करता है, उस रिएक्शन में सपोर्ट करे। ठीक है और बेसिकली हम जानते हैं कि अमलगम बन जाएगा तो इसीलिए हमारा पर्पस क्या है, अमलगम बना के नहीं छोड़ना है, हम फाइनली क्या बनाना चाहते हैं, NaOH, इसीलिए हमने सोडियम अमलगम बनाया सबसे पहले। ओके सर। हर्षल यहां तक क्लियर है? ठीक है चलिए अब आप इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं NaOH को। चलिए कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। तो नंबर वन, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। मैंने आपको बताया सोप में किस तरह यूज करते हैं इसे, सोप पेपर
आर्टिफिशियल सिल्क एंड अ नंबर ऑफ केमिकल्स. चलिए नंबर टू, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग. नंबर थ्री, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट. इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट. बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का एक मेन ओर है जिसे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट ओर होता है ये बॉक्साइट. नेक्स्ट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स. सो दीज आर सम यूजेस ऑफ NaOH. बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर. चलिए अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं. यहाँ पर नंबर फोर, आवर नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ सोडियम दैट इज NaHCO3, जिसको आप बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सर ये बेकिंग सोडा है. यस. This is sodium hydrogen carbonate या फिर baking soda. ठीक है. चलिए तो हम शुरू करते हैं कैसे बनता है. तो देखो कुछ important चीजें जो आपको सबसे पहले समझनी है यहाँ पर. इसको बेकिंग सोडा क्यों कहा जाता है? इसको बेकिंग सोडा क्यों कहा जाता है? सर इसको केक खाने बनाने में यूज होता है. क्यों, इसका क्या काम है जो ये खाना बनाने में यूज करता है? पकोड़ा बनाने में स्पंजिनेस देता है. स्पंजिनेस देता है. स्पंजिनेस कार्बन डाइऑक्साइड इडली में भी होता है. फ्लफीनेस आता है. इट्स टाइम बनाना है. पकोड़े वगैरह में यूज बनाने में क्यों होता है ये? स्पंजिनेस देता है. चलो ठीक है ठीक है. अब सारे रेसिपीज में बता मुझे यहाँ पर. डोंट टेल मी ऑल द रेसिपीज कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसे. ठीक है. देखो बेसिकली इस रिएक्शन में जैसे मान लो अगर आपने NaHCO3 को आपने जब से पानी में डाला या फिर जब भी आप इसको थोड़ा सा डिकम्पोज होता है. बेसिकली जब भी NaHCO3 डिकम्पोज होता है. ठीक है. सो ऑन डिकम्पोजिशन व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? मैंने लिया 2 मोल्स ऑफ NaHCO3. तो ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. बस यही CO2 आपके पकौड़े बनाने में काम आती है. ठीक है. यही CO2 आपकी केक बनाने में काम आती है, इडली बनाने में काम आती है, एटसेट्रा, ढोकले बनाने में काम आती है. और कुछ भी वाटर भी करता है रिलीज. हाँ तो वाटर तो आप में यूज हो गए ना. जब थोड़ा सा हीट दोगे तो वाटर तो उड़ जाएगा. सर केक में क्यों नहीं होती फिर यूज? केक में यूज करते हैं ना बेकिंग सोडा? नहीं यूज करते हैं क्या? सर बेकिंग पाउडर ही यूज करते हैं ना. हां सर उसको बेकिंग पाउडर एसिड से ट्रीट करते हैं जिससे ये कड़वा होता है सर. हां 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मैंने अभी तक कभी केक बनाया ही नहीं इसलिए मुझे आईडिया नहीं है. सर हमने 10th में बनाया था सुदीप सर क्लास. अच्छा और वो फिर फेंक दिया था उसको या खाया था? सर खाया था. सर थ्योरेटिकली. अच्छा थ्योरेटिकली खा लिया था. नहीं सर वो अच्छा नहीं होगा. चलो ठीक है. अगर अच्छे से बनाना सीख जाओ तो मुझे भी बता देना, मैं भी आ जाऊंगा खाने के लिए. यस सर आ जाओ.
चलो ठीक है, हम आते फिर। हाँ हाँ, अगर अच्छे से सीख जाओ तो मुझे बुला देना, ठीक है? सर पहले टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, 100 रुपए लेके आओ सर। यस सर, पैसे लेके आप दुकान नीचे खा लेंगे बस। चलो ठीक है, कुछ यूजेस देख लेते हैं हम इसके, कहाँ कहाँ ऐसे यूज करते हैं। तो एक चीज, ये एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है। यस सर, इसका प्रिपरेशन नहीं देखा। इसका प्रिपरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है शायद। आप देखो, हमने जब वॉशिंग सोडा पढ़ा था, वॉशिंग सोडा। हाँ सर, सॉल्वेंट प्रोसेस का थर्ड स्टेप। हाँ, सॉल्वेंट प्रोसेस में थर्ड स्टेप। हाँ ठीक है। हाँ सर, स्टार्टिंग के दो स्टेप वही है ना। इसकी खास बात क्या थी? यस, वही है, दो स्टेप। खास बात क्या थी इसकी सर? ये N2CO3 क्या है सर? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसकी खास बात क्या थी कि ये लेस सोल्यूबल होता है। इट इज लेस सोल्यूबल, ठीक है? ये लेस सोल्यूबल होता है, तो इसके जो व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। व्हाइट क्रिस्टल्स गेट सेपरेटेड, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉल्वेंट प्रोसेस में ये किस तरह से मदद करता है, ठीक है? तो चलिए, इसका पहला यूज यहाँ पे आप लिख देंगे, इट इज यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। इट इज यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस। For skin infections. Number two, it is also used in fire extinguishers. देखे होंगे ना आपने, कुछ extinguishers के ऊपर लिखा होता है ABC करके। Soda fire. Soda fire extinguishers. Yes sir. Yes. ये fire extinguish क्यों करता है, आपको समझ में आता है? क्यों extinguish करता है fire? Sir, CO2 release करता है। Sir, NaCl3 कोई तो compound पे गिरता है, बाहर CO2 निकलती है। सर माइल्ड एंटीसेप्टिक मतलब? माइल्ड एंटीसेप्टिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक। यस सर, ठीक है। मतलब माइल्ड का मतलब क्या होता है? हल्का। यस सर। चलो, यहां तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। लिख लिया आपने यहां तक सारा? यस सर। सर मेन यूज ही नहीं लिखा, कुकिंग वाला। अरे वो तो जानते ही ना, इतने सारी चीजें बता दी, अब बचा क्या? सब कुछ तो बता दिया। बेकिंग पाउडर। स्टिंग लग जाए तो? हाँ, if you get stung by wasp sir. Yes, वही हो गया mild antiseptic for skin infections. चलो, तो अभी तक यहाँ पर हमने इस चैप्टर में ग्रुप वन के बारे में पढ़ा, जिनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अब हम ग्रुप टू के बारे में पढ़ते हैं, विच आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सर कल पढ़ते हैं, नया दिन नया। Yes sir. आज बताया आपको कौन सा डे? यस सर। कौन सा डे? ट्यूसडे। ट्यूसडे। आपको पता है मंगलवार कितना शुभ दिन होता है? यस सर, वो भक्ति करनी है सर। मंदिर जाने दो सर हमको, मतलब बलि पूजा करनी है सर। सर मंदिर जाने दो, ठीक है? तो आज मंगलवार के दिन हम इस सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं, ठीक है? और कुछ छोटी चीजें हम आज पढ़ लेते हैं, जिससे बाकी की क्लासेस हमारी आसान हो जाएगी। आज सर सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं आज के लिए। हाँ, तो हेडिंग क्या है बताओ मुझे? हाँ, कौन कौन से मेटल्स होते हैं बताओ जल्दी से। सर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अच्छा, बेटा मांगे कन्या सुंदर। अच्छा, कन्या पे आ गए, कार से कन्या मिल गई। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड
रेडियम, ठीक है। तब देखो यहाँ पे जो बेरिलियम है, ये बेरिलियम जरा हट की प्रॉपर्टीज शो करता है। इस बेरिलियम शोस एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज, जैसा पहले किसने किया था, लिथियम, लिथियम ने। तो लिथियम की सर, तरह रेडियम के पहले बेरियम आता है सर। यस, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, स्ट्रोंशियम को हटा देंगे हम, और क्या लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो दिस बेरिलियम शोज एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज, और बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप भी होती है किसी के साथ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ। तो बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, ये ग्रुप टू में आते हैं, तो इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दो 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 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 नोबल गैस NH2। और इनके कंपाउंड्स जो होते हैं, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स जनरली आयनिक इन नेचर होते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर जनरली आयनिक इन नेचर। Compounds of these elements are ionic in nature. Are generally ionic in nature. तो हम वन बाय वन के कुछ बेसिक चीजों की बात करते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर लेता हूँ atomic and ionic radii. तो सबसे पहला मैंने लिया एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो बताइए कि अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी साइज बड़ी होती है, छोटी होती है, छोटी। अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी साइज छोटी होती है, क्यों ऐसा सर? वो भार ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स के साथ ज्यादा विद इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण their atomic size is smaller as compared to alkali metals. Their atomic size is smaller as compared to alkali metals. और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो साइज बढ़ता है या कम होता है? सब बढ़ता है, increase बढ़ता है। क्यों सर? नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होते हैं और सर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है। यस, तो देखो इसको याद करने का एक तरीका, G फॉर ग्रुप। तो देखो आप जब ग्रुप में नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता जाता है, आप देख पा रहे हो? Yes, sir. जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता जाता है, लेकिन जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पी फॉर पीरियड तो जब आप किसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपके साइज कम होता जाता है इस तरह से। सर यस सर, मुझे ये नहीं समझा कि ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से उनकी साइज छोटी क्यों रहती है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, देखो समझने की कोशिश करना। न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं ना। तो देखो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है जब भी आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो, तो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, उससे जो न्यूक्लियस जिस नेट चार्ज से न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है वो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो है अब वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास में आ गया न्यूक्लियस के, तो उनकी डिस्टेंस क्या हो गई, कम। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से इनकी आयनिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। यस सर, समझ। ठीक है,
चलो नेक्स्ट मुझे बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर सर? अलोंग द पीरियड बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप कम होगा। हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर सर। कम होगी, कम होगी, कम होगी सर। आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ द डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों ऐसा? सिंस द साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ती है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। तो मैं ऑर्डर क्या लिख सकता हूँ? व्हाट ऑर्डर आई कैन राइट हियर सर? E1 इज ग्रेटर देन, नहीं, IE1 इज ग्रेटर देन IE, हाँ वो बी है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अल्कली मेटल की या अल्कलाइन अर्थ मेटल की? अल्कलाइन अर्थ। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स की। तो मैं क्या बोल सकता हूं? IE1 फॉर अल्कली मेटल इज लेस देन IE1 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट द IE2 सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर अल्कली मेटल इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बात आप सबको समझ में आती है सर? एक्सप्लेन करो ना एक बार। देखो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिया सोडियम का, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, इन दो का एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1H2 2H2 2P6 3S1। मैग्नीशियम का 12? 3S2 हो जाएगा सर, 3S2। चलिए अब मुझे बताओ पहला इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालना आसान है? Na। सोडियम में से, क्योंकि जैसे आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला सोडियम में से तो वो क्या अचीव कर लेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम से आसान है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, है ना? Yes, तो सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। Yes, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना आसान होगा? मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो क्या बन गया, अब ऑलरेडी वो क्या बन गया, 3s1 बन गया, Na तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया। अब स्टेबल होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकालना तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। यस सर। अब मैग्नीशियम से अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो अब उसके नोबल गैस बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से में से निकालना आसान होगा देन फ्रॉम सोडियम। यस सर, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की कम होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कम होती है। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो एक प्रॉपर्टी हम और पढ़ लेते हैं आज के लिए, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं आज के लिए, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पीज। हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, आई होप आपको याद होगी डेफिनेशन। याद है? बताओ माया नाम। चलो मुझे ये बताओ कि अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन ज्यादा, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? अल्कली मेटल की या अल्कलाइन अर्थ मेटल की? और अल्कली मेटल, अल्कली मेटल सर। सबसे पहले मुझे ये बताओ, चलो कल्पना मुझे बताओ कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है? व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी सर? व्हेन वन मोल ऑफ एनर्जी अंडरगोज हाइड्रेशन।
वन मोल ऑफ एनर्जी अंडरगोस हाइड्रेशन, ये क्या हो गया सर? मतलब जब वन मोल ऑफ, मतलब वन मोल ऑफ कंपाउंड अंडरगो करता है हाइड्रेशन। नहीं मैं बताऊं, सही से बताओ। हाँ बताओ सर, जब एक आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, हाँ तो फिर क्या होता है? तो फिर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ तो मुझे बताओ, अब अल्कली मेटल का हाइड्रेशन ज्यादा होगा या अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रेशन ज्यादा होगा किसी भी एक पीरियड में? सर अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, हाँ किसी भी एक पीरियड में जो छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा ना? यस सर। ठीक है, ज्यादा मॉलिक्यूल सर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट द कंपाउंड्स ऑफ, लिख लीजिए यहाँ पर, द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर हाइड्रेटेड देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, इस तरह से। ठीक है, मुझे बताइए डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी, साइज बढ़ेगा। कम होगी, समझ में आ गया आपको? तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, B2+ is greater than Mg2+ is greater than Ca2+ is greater than Strontium2+ is greater than Barium2+. ठीक है सर, अटेंडेंस लिख दे। यस, क्विकली आंसर योर अटेंडेंस एवरीवन, जल्दी से अपना अटेंडेंस आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। सर हाइड्रेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखवा दो फिर से। यस सर, पहले बताया था ना आपको? सर पहले लिखा ही नहीं था शायद। चलिए आप लिख लो, इट इज डिफाइंड एज The amount of energy released, it is defined as the amount of energy released when one mole of any gaseous ion, amount of energy released. It is defined as the amount of energy released when one mole of any gaseous ion gets completely surrounded with water molecules. इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, बेसिकली कोई भी आयन अगर आपने पानी में डाल दिया तो उसको सब वाटर की मॉलिक्यूल्स, पानी की मॉलिक्यूल्स आके उसको घेर लेंगे और पानी की मॉलिक्यूल्स उससे दोस्ती कर लेंगे। तो जब दोस्ती की तो अब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर, अपने यहां तक साहब को सब कुछ लिख लिया? यस सर। यस सर, चलिए सो वी एंड टुडे हियर एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप PDF प्रोवाइड कर देंगे आज का? हाँ।